नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूं, जो कि NPSC यानी कि नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूं, जिस पोस्ट की घोषणा हुई है वो है ड्राइवर पोस्ट। साथ ही ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। गाइस आप देख सकते हो, जो हमारा पोस्ट है ड्राइवर, इनके लिए यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, और वो ये है कि आप क्लास 8 पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट से। साथ ही इन केस अगर किसी दूसरे कैंडिडेट के पास आपके जितने इक्वल मार्क्स हैं, देन आपकी जो कंपैरिजन की जाएगी वो लाइसेंस पे होगी, जो कि अगर आपके पास हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल्स या फिर मैकेनिकल नॉलेज है माइनर रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट की, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन है, और यहाँ पे आपके लिए एक एड्रेस भी दी गई है जिस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। तो ये जो एड्रेस है वो है 2 सेक्रेटरी नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, नागालैंड कोहिमा। इसी के साथ जब आप नीचे आओगे, आप देख सकते हो अटैचमेंट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइज ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न, एनेक्जर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एट्सेट्रा। तो अगर आप ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर अगर आप ऐसे डिटेल्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डाउनलोड बटन को प्रेस करोगे, तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो, इनके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 22 अप्रैल 2022 से लेके इनके लिए जो लास्ट डेट है आप देख सकते हो वो है 30 अप्रैल 2022। गाइस आपके लिए 8 दिन की टाइम पीरियड दी गई है, आपको इस 8 दिन के बीच में अपना एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड के द्वारा सबमिट करना है। साथ ही इसमें 2 पोस्ट की घोषणा हुई है, और जो आपके लिए स्केल ऑफ पे है वो है लेवल 3 की, जो कि है 5200 से लेके 20,200 तक की। साथ ही यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 21 to 30 ईयर्स की, एंड आपको एज रिलैक्सेशन है इनकेस आप SC या फिर ST कैंडिडेट हो। इसी के साथ आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं वो है ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 8 और अबव मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट और HSLC एडमिट कार्ड, इंडिजिनस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट, स्केड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट। साथ ही जो लास्ट है वो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ़ एनी। साथ ही आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके हेल्प के लिए पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है या फिर कुछ भी आप अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो या फिर डिस्कस करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस फोरम बटन पर क्लिक करोगे, तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम पर आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पर आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने डाउट्स, क्वेरीज या कुछ भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करते हो, तो आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स भी इनमें रिप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके साथ अपने क्वेरीज शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे के क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही आप यहाँ पे एक हेल्दी इंट्रैक्शन कर सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड। सो गाइज आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।